प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग कक्षा 9वीं के हिंदी व्याकरण में पाठ 2 समास के विषय में पढ़ेंगे। समास। समास का अर्थ होता है संक्षेपीकरण। इसके अंतर्गत दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नए शब्द की रचना की जाती है। इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। जैसे गंगा का जल, और इसमें गंगा का जल इनको जब मिला करके गंगा जल बनता है, इसको क्या कहते हैं? गंगा जल सामासिक पद है। इसकी परिभाषा, परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक पदों का मेल समास कहलाता है। समस्त पद, अब इसमें जानिए समस्त पद क्या होता है। सामासिक प्रक्रिया में बने नए शब्द को समस्त पद कहते हैं। समास रचना में दो पद होते हैं, इसमें से पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। उदाहरण के द्वारा इसे हम समझाते हैं आपको। जैसे शब्द समूह, शब्द समूह है रसोई के लिए घर। अब इसमें पूर्व पद क्या है? रसोई, और उत्तर पद है घर। इसका समस्त पद या सामासिक पद क्या बनेगा? रसोई घर। ये जो शब्द समूह है ये हमारा समास विग्रह है। इसी प्रकार से यश को प्राप्त, इसमें पूर्व पद यश है और उत्तर पद प्राप्त है। ये है यश प्राप्त, सामासिक पद है यश प्राप्त। इस अब हम समास विग्रह किसे कहते हैं, क्या है, उसके बारे में जानेंगे। जब समस्त पद के सभी पद अलग अलग किए जाते हैं तब उस प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। उदाहरण से समझिए इसको। समस्त पद है जैसे माखन चोर। अब इसका समास विग्रह करेंगे तो बनेगा माखन को चुराने वाला। इसी तरह से हानि लाभ, ये समस्त पद है, इसका समास विग्रह करेंगे तो बनेगा हानि और लाभ। अब ये तो हुआ समास की परिभाषा, समस्त पद, समास विग्रह क्या होते हैं, अभी तक आप इसके बारे में समझें। अब मैं समास के भेद कौन कौन से हैं वे मैं समझाती हूँ। समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। पहला है अव्ययी भाव समास। जिस समास में पूर्व पद अव्यय एवं प्रधान हो तथा उत्तर पद संज्ञा या विशेषण होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसमें समास होने के बाद समस्त पद अव्यय बन जाता है। इसमें सामासिक पद के पूर्व में आ, प्रति, बे, हर आदि उपसर्ग जोड़े जाते हैं। उदाहरण, समस्त पद प्रतिदिन, इसमें अव्यय क्या है? प्रति है। जब हम इसका विग्रह करेंगे तो बनेगा दिन, दिन। इसी तरह से समस्त पद है यथाशक्ति, इसमें अव्यय है यथा। जब इसका समास विग्रह करेंगे तो शक्ति के अनुसार बनेगा। इसी प्रकार आमरण, अव्यय है आ, और मरण तक इसका विग्रह बनेगा। इसी प्रकार प्रत्येक, समस्त पद है, इसमें अव्यय प्रति है और समास विग्रह करेंगे तो इसमें बनेगा प्रति एक। इसी प्रकार भर पेट समस्त पद है, इसमें अव्यय भर है और समास विग्रह करने पर ये बनेगा पेट भर। तो बच्चों, इसके आगे के क्रम में समास के और भेद हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।